हेलो एवरीवन, फिर एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं मकरणा आया हुआ हूँ और मैं अभी रिसेंटली अभी लाइव भी गया था। मैंने वीडियोस वगैरह डाली है लाइव जाकर और आपको मंडी वगैरह दिखाई, लेकिन लाइव में क्या है, वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग ही शूट कर लेते हैं, फिर आपके साथ शेयर कर देंगे। तो मैं आज आपको दिखाऊँगा, तीन चार माइंस दिखाने की कोशिश करूँगा कैसे पत्थर निकलता है। पत्थर तो निकलता हुआ नहीं दिखा पाऊँगा मैं आपको, क्योंकि अभी हमारे आने से पहले ये ब्लॉग्स निकले हैं दो तीन। अभी मैं नीचे जाके बताऊंगा कि माइंस की गहराई कितनी है, कैसे लोग काम करते हैं वर्कर्स। और हमारे साथ राजू भाई है, राजू जी है, जो ये पूरा डायरेक्शन देते हैं। जब क्या होता है, ब्लॉक्स वगैरह ऊपर आते हैं या क्रेन से लोग नीचे जाते हैं, तब ये क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि मशीन को कितना ऊपर लेके जाना है, कितना नीचे जाना है, कहाँ रोकना है। टंकी से लोग नीचे जाते हैं, हम जाएंगे जब आपको दिखाएंगे। कोशिश करूँगा कि चार पाँच माइंस आपको दिखा दूँ। अभी मैं माइंस की गहराई दिखाता हूँ आपको, कितनी गहरी है। ये देखिए, ये पूरी बहुत ही गहरी है। माइंस तो छोटी है लेकिन गहराई बहुत ज़्यादा है इसकी, लगभग 250 फुट की गहराई है। नीचे वर्कर काम कर रहे हैं, उनसे चल के बात करेंगे। ये पूरा कुछ इस तरह की जो माइंस होती है, मशीन ये है जो ब्लॉक्स वगैरह ऊपर लेके आती है, ये क्रेन है। तो दोस्तों, अभी क्रेन को बीच सेंटर में लाया जा रहा है और ये देखो, इसको सेंटर में लाके बांध रहे हैं, पेड़ से बांध रहे हैं, ताकि जो टंकी है वो बिल्कुल सीधे से इजीली ऊपर आ जाए। तो ये बांध दी है और ये भाई साहब ने क्रेन को खींच दी है, ये पूरी ऑपरेट करते हैं क्रेन। दोस्तों, आप पीछे देख सकते हैं, ये टंकी है, एक तरह का जुगाड़ बोल सकते हैं इसको। इसमें हम बैठेंगे और नीचे जाएंगे। आपके लिए मैं इतनी रिस्क लेता हूं, तो यार थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए और वीडियोस ला सकें। इसके अंदर बैठ के हम नीचे जाएंगे, फिर बताएंगे आपको नीचे से किस प्रकार का नज़ारा दिखता है। अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार कहाँ मार्बल है, इसमें चट्टान दिख रही होगी। नीचे जो मेन जो खजाना है वो नीचे है, वो जाके आपको बताते हैं। बैठ गया। ये देखो, हमारा भाई बैठ रहा है, इसको बहुत डर लग रहा है, क्योंकि यार बहुत रिस्क की काम होता है ये। ये भाई बैठ चुका है। बंजी जंप करते हुए इतना डर नहीं लगा जितना इसमें लग रहा है। अब आपको असली माइंस दिख रही होगी, ये देखो, ये सामने देखो कैसे, कितनी ख़तरनाक माइंस है। रिक्स हर काम में रिक्स होती है, और स्पेशली अगर मार्बल की बात करो माइंस की, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिक्स है। बहुत सारे कबूतर है इधर, ये तो बहुत ही एक गुफा टाइप की बन चुकी है। दोस्तों, इधर देखिए, ये देखिए माइंस, नीचे वर्कर कैसे काम करते हैं, बहुत ही रिक्स होती है। ये देखिए कैसे जाती है, बहुत रिक्स है दोस्तों, हम आपके लिए इतनी रिक्स ले रहे हैं। ऊपर से तो बहुत ही ऐसा लगता है कि बहुत आसान है माइंस में जाना। ये देखिए कैसा नज़ारा दिख रहा है, ओ हो भाई साहब खतरनाक। ये देखिए, जिस खजाने की मैं बात कर रहा था ना, वो यहाँ है। ये पूरा पत्थर है, डूंगरी है ना सर, ये डूंगरी। और ये फाइनली हम नीचे आ चुके हैं।
ये दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे से कितनी खतरनाक दिख रही है माइन सबको। 250 फीट गहराई है इसकी और आप देख सकते हैं कि ऊपर का कैसा नज़ारा दिख रहा है। ये वर्कर काम कर रहे हैं नीचे। दोस्तों मैं नीचे जा रहा हूँ आप लोगों के लिए रिक्स लेके। तो ये आप देख सकते हैं मेन माइंस के अंदर हम आ चुके हैं, डोंगरी की माइंस है। और थैंक यू सो मच सर हमें लेके आए, मिस्टर भागचंद जी इनका नाम है, इनसे भी हम आपको बात कराएंगे। उससे पहले मैं यहाँ के जो वर्कर हैं उनसे आपको मिला दूँ जो कि इतने जोखिम से काम करते हैं। जोखिम भरा सफ़र है ये और मेरा तो रहा है, और सर इतने रिक्स लेते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं आपके घर तक मार्बल लगने का सफ़र किस प्रकार का होता है। तेजा राम जी है जो हमारे लिए ब्लॉक्स वगैरह निकालते हैं, फिर ये जाता है कटिंग के लिए, कटिंग के बाद जाता है गोदाम में, और फिर गोदाम यानी कि कंपनी, कंपनी के बाद जाता है आपके घर तक। ये पूरा सफ़र होता है। तो सर कब से काम कर रहे हो आप माइंस में? 20 साल से काम कर रहे हैं, तो आपको तो बहुत अच्छा तजुर्बा होगा माइंस का। तो क्या क्या आप सावधानी रखते हैं माइंस में आने से पहले, और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा है अभी तक आपको? परेशानी। तो बारिश के समय तो मेरे हिसाब से काम करना बंद हो जाता होगा, माइंस बंद हो जाती होगी बारिश के समय तो, क्योंकि पानी वगैरह बढ़ जाता है। अभी आप देख सकते हैं ये ब्लॉक इन्होंने काट दिया है। तो ये ब्लास्टिंग के द्वारा निकाला है ब्लॉक या फिर कटिंग से? कटिंग। अच्छा, कटिंग से। आप देख सकते हैं पीछे भाई बैठे हैं, क्या नाम है भैया? मंगल जी, कैलाश जी। मंगल जी तो बिल्कुल मंगल पांडे वाले रोल में लग रहे हैं, आपने देखी होगी मूवी, मूछ वूछ वैसी रख रखी है भाई साहब ने। और इसके अभी कई ब्लॉक्स की कटिंग होगी, उसके बाद ये जिस क्रेन से हम आए थे उसी क्रेन से ये वापस जाएगी। आप देख सकते हैं पानी भी भरा हुआ है, बहुत रिस्क है, हर जगह आप कदम कदम पे फिसलन है। सीढ़ी देख सकते हैं जिससे मैं आया हूँ, बहुत ही रिक्स की थी। तो दोस्तों हमारे साथ सर है भागचंद जी जो कि हमें आगे की डिटेल्स देंगे। तो सर एक ब्लॉक को निकालने में कितना समय लग जाता है, कितना क्या क्या चीजों से आपको गुजरना पड़ता है ये बताइए आप। एक महीना करीब लग जाता है एक ब्लॉक को निकालने। लगभग एक ब्लॉक को नहीं तो पूरे एक, वैसे मान लो ये फाड़ा है, हाँ हाँ, उसको निकालने में। अच्छा, अगर मान लो कि हमारे कई हमारे सब्सक्राइबर है, हमारे यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स है जो बिजनेस करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यार हम किसी गोदाम से माल नहीं खरीद के मार्बल नहीं ले, डायरेक्ट हम फैक्ट्री से ले ले, जहाँ से जैसे माइंस से ब्लॉक निकल रहा है डायरेक्ट ब्लॉक परचेस कर ले, तो उस क्या प्रोसीजर रहता है उसका और किस हिसाब से मिलता है ब्लॉक? ये घनफुट के हिसाब से बिकता है। तो नॉर्मली क्या हो गया ये 500-700 रुपए घनफुट के हिसाब से बिकता है, तो ये हिसाब हो गया इसका। और जैसे कुदरत की देखो पत्थर है, पत्थर जमीन से निकलता है, इनके हिसाब से बिकता है। हाँ, ये छोटे जो होते हैं ना जो मूर्ति वगैरह बनाने काम में लिए जाते हैं, ये टन के हिसाब से बिकता है। बाकी ये आप बड़े बड़े ब्लॉक्स देख रहे हैं ना, ये घन फुट के हिसाब से बिकता है जिसकी रेट सर ने बताई दी है। और देखो कुदरत है, जो जमीन से ब्लॉक्स निकलते हैं जैसी उसकी क्वालिटी होगी, वाइट है तो उसकी रेट ज्यादा है, जैसी क्वालिटी होगी उसके हिसाब से रेटें होती है। आप पीछे देख सकते हैं ये पीछे जो ब्लॉक दिख रहा है ये ज़्यादा कॉस्टली है, तो रेट उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करती है। तो दोस्तों हम वापस ऊपर जा रहे हैं और हमारी जो टंकी है उसके अंदर बैठ के हम ऊपर जाएंगे।
दोस्तों अभी जो आप सेकंड माइंस देख रहे हैं ये है अल्बेटा की। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी माइंस है, और जो हमने माइंस दिखाई थी उससे बड़ी है, लेकिन गहराई उसकी ज़्यादातर इसकी कम है, ये चौड़ाई में बहुत ज़्यादा है। ये देख सकते हैं कितनी सारी क्रेनें लग रखी है, और सामने मंदिर है, और ये सामने आप देख सकते हैं जेसीबी है, नीचे काम कर रही है और वर्कर्स है। ये पूरी अल्बेटा की बेल्ट है, पूरी बेल्ट बोला जाता है, मतलब एक लाइन चलती है, लाइन से चलती है माइंस से, तो ये अल्बेटा की बेल्ट है। इधर पूरा अल्बेटा का माल निकलता है। टंकी देख सकते हो, इसी के अंदर हम ऊपर गए थे। ये क्रेने हैं, और ये देखिए माइंस कितनी गहरी माइंस है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मकराना का मार्बल क्यों वर्ल्ड फेमस है, क्यों इतना बिकता है, और इसकी डिमांड इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में डिमांड है मकराना के मार्बल की। वो इसलिए है क्योंकि इसकी माइंस से देख के ही लोग दंग रह जाते हैं कि यार इतनी बड़ी माइंस से होती है क्या, इसलिए मकराना का मार्बल बहुत ज़्यादा बिकता है। तो चलिए आगे और माइंस दिखाते हैं। ये अल्बेटा की माइंस थी दोस्तों, आप देख सकते हैं ये चक डूंगरी की माइंस है। जहाँ नज़र डालोगे आपको क्रेने ही क्रेने और माइंस दिखाई देगी। ये देख सकते हैं बहुत बड़ी माइंस है ये, आप जहाँ नज़र डालेंगे वहाँ आपको माइंस दिखेगी। ये भाई साहब है जिन्होंने हमको परमिशन दी है शूट करने की। हम बाहर से दिखाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अभी ये वेस्टेज निकाल रहे हैं, ये सामने आप देख रहे हैं वेस्टेज है, और बहुत ही शानदार माइंस है। आप जब भी किस मकराना आए तो एक बार माइंस ज़रूर देखें, क्योंकि प्रोसेस बहुत पता होना चाहिए कि मार्बल कैसे निकलता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने आपको माइंस दिखाई है तरह तरह की, अल्बेटा की दिखाई है, डूंगरी की दिखाई है, ट्रक डूंगरी की दिखाई है। आप जब भी किशन मकराना आ रहे हैं, बार बार मेरे किशनगढ़ मुंह पे आ जाता है क्योंकि मैं एक महीने से किशनगढ़ में ही वर्क कर रहा था। जब भी आप मकराना आ रहे हैं तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, बात कर लीजिए कि भैया हमें ब्लॉक्स परचेज करने हैं, हम बिजनेस करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप इजीली इनसे डील कर सकते हैं। आप जहाँ पे भी मकराना के अंदर एंटर होते ही माइंस चालू हो जाती है, कंपनी चालू हो जाती है, आप डायरेक्ट इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।